इसकी मॉस की बात कर रही हूँ, उसमें आपने क्या सोचा? इसका एक सेंट्रल, इसका दो, ठीक है ना? और इसके अलावा आपने क्या सोचा? वो तो एक ही चीज ना, वो कई सिमेट्रिक बैलेंस इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप के द्वारा ये ना अच्छा आज अपने कर ले भाई मेरे यार ही है होंगे किसी में ये चीज नहीं होगी किसी में भूत होगा किसी में रैम ज्यादा होगी हार्ड कम सर आवाज नहीं आ रही आपकी और सर का माइक म्यूट है थोड़ा सबर कर जाओ अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्या हाल है आपके वालेकुम सलाम आप कैसे हैं कैसे हैं आप लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे हैं सर अल्लाह का एहसान बस एक दो मिनट के अंदर शुरू करते हैं क्लास में बाकी लोग ज्वाइन कर लें उसके बाद अटेंडेंस मार्क करते हैं फिर आगे चलते हैं यस यस सर श्योर जी सर
अस्सलाम वालेकुम। चलें बच्चे अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल मोईज इरफान प्रेजेंट सर। हाफिज अली प्रेजेंट सर। आफाक अहमद प्रेजेंट सर। आफिफा सोहेल। अली हसन प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अली मुमताज। अलीजा नजीर प्रेजेंट सर। अलीजा शहजाद प्रेजेंट सर। अल्लाह बचायो प्रेजेंट सर। आमिर हयात। आमना आदिल। आकिब सदीक यस सर। अरबाज खान यस सर। अरुज रियाज प्रेजेंट सर। अरुसा आसिफ प्रेजेंट सर। आयशा अनवर सर। आयशा हारून। आयशा हारून। आयशा खान प्रेजेंट सर। बाबर अली प्रेजेंट सर। बख्त अली प्रेजेंट सर। बिस्मा जावेद। दुर मोहम्मद। ईमान खान प्रेजेंट। इज्जत तबस्सुम प्रेजेंट सर। फहद अकरम। फहद अकरम प्रेजेंट सर। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। फैसल महमूद। फैसल महमूद बेटा प्रेजेंट सर। बेटा अटेंडेंस के बाद जो भी क्यूरीज हैं उसको बाद में देखेंगे प्लीज। फैसल साले। फैसल साले। फैसल साले का इंटरनेट का सब प्रॉब्लम आ रहा है सर, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फैसान मेरे साथ बैठा हुआ है वो। फैसान खान प्रेजेंट सर। आपके साथ बैठा हुआ होने के लिए आठ बच्चा बैठा है ना, इस पे नाम काला है तो काम करिए, मैं सुन लूंगा आवाज, आइडेंटिफाई कर लूंगा मैं खुद ही। फातिमा इजाज प्रेजेंट सर। गुलजमान खान। हबीबुल्लाह खान प्रेजेंट सर। हमजा फारूक प्रेजेंट सर। हारिस इलाही। हारिस इलाही। हारून रशीद। हसन ताहिर। हसनैन ताहिर। हुंजा यूसुफ। इफ्रा भट्टी प्रेजेंट। इमरान आलम। इज्मा प्रेजेंट सर। इज्मा ओके। जुनेद अनवर। कामरान नासिर। कमल हसनैन। काशिफ। काशिफ इज प्रेजेंट सर। काजिम अली प्रेजेंट सर। एहसन मुर्तजा। एहसन प्रेजेंट सर। मानवर हसन प्रेजेंट। मलिक अब्दुल वहाब कासी प्रेजेंट सर। मरवा महम। मरवा महम। मरियम मुमताज प्रेजेंट। महर जरियाब अली। मिया अफनान प्रेजेंट सर। मनाहिल फजल। मनाहिल अफजल। मोहम्मद असलम प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मोहम्मद असलम सर। ओके बेटा। मुबारा अरशद प्रेजेंट। मोबिन भट। मदसर उमर। अयानुर रहमान सर। ओके अयानुर रहमान प्रेजेंट सर। फाइजर नईम
ठीक है बेटा फाइज अकलीम फाइज अकलीम ओके प्रेजेंट सर ओके बेटा ओके मोहम्मद हमजा मोहम्मद हाशिर प्रेजेंट सर मोहम्मद हसन प्रेजेंट सर जहांसेब खान प्रेजेंट सर कमाल ओवैस प्रेजेंट सर मोहम्मद ओकाशा प्रेजेंट सर उस्मान खान उस्मान खान अमार असगर प्रेजेंट सर अमार असगर ओके अंस कदीर प्रेजेंट सर हैदर असलम प्रेजेंट सर खबर अली प्रेजेंट सर खबर अली ओके राइट मोहम्मद मंसूर प्रेजेंट सर शहरियार खान प्रेजेंट सर तौकीर फारूकी प्रेजेंट सर मोहम्मद उमर प्रेजेंट सर उजैर कासमी प्रेजेंट सर वलीद भट्ट वलीद भट्ट मनजा कैसर प्रेजेंट सर मनी मुश्ताक प्रेजेंट सर मुस्तनसर रशीद नादिया नौरीन आमिर निमर आरिफ प्रेजेंट सर नौमान परवेज प्रेजेंट सर राबिया फिजा आमिर प्रेजेंट सर राना हैदर मुमताज खान राजीब खान यस सर प्रेजेंट साद अहमद साद नूर प्रेजेंट सर सईद अहमद प्रेजेंट सर सागिर अली प्रेजेंट सर साहिबजादा मोहम्मद सयाब सैफुर रहमान प्रेजेंट सर ओके सलमान अली यस सर संगीन खान साकिब शहजाद प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर ओके सारा आलम प्रेजेंट सर शानसा इकबाल सुरैया कौसर प्रेजेंट सर सवेरा हारून प्रेजेंट सर सैयद शाहजमान प्रेजेंट सर सैयद मोहसिन रजा बुखारी प्रेजेंट सर सैयद मूसा तहा जावेद प्रेजेंट सर उसामा लगारी उसामा शबीर प्रेजेंट सर ओके वजदानुल हक फरदा आबिद प्रेजेंट सर यूसरा आरिफ यूसरा जुहराना जुनेरा जफर राइट अब जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनका दोबारा से रोल कॉल करता हूं सर आपने मेरा नाम नहीं लिया एक सेकंड मैं चेक करता हूं आपका अली मुमताज स्पीकर बंद करें अपना बेटा अली मुमताज इसमें हैं हमारे पास अली मुमताज नहीं है आमिर हयात आमना आदिल आयशा हारून प्रेजेंट सर ओके और उसके बाद हैं बिस्मा जावेद प्रेजेंट सर दुर मोहम्मद और फिर हमारे पास हैं गुलजमान खान हारिस इलाही हारून रशीद प्रेजेंट सर हारून रशीद हसनैन ताहिर हुंजा यूसुफ प्रेजेंट सर हुंजा ओके जुनेद अनवर कामरान नासिर प्रेजेंट है जुनेद अनवर लेकिन वो कह रहे हैं मैं नेट इशू आ रहा ओके कमल हसनैन प्रेजेंट सर कमल है हमारे पास ओके प्रेजेंट सर महर जरियाब अली मनाहिल अफजल मोबिन भट्ट मोहम्मद प्रेजेंट सर कौन मोबिन भट्ट यस मोहम्मद हमजा उस्मान खान वलीद भट्ट मुस्तनसर रशीद सर उनका हैंड रेज है शायद वो माइक म्यूट नहीं हो पा रहा होगा ओके राणा मुमताज खान साद अहमद
साहिबजादा सयाब, शानजा इकबाल, सैयद मूसा, उसामा लगारी, वजदानुल हक, जुहराना, सुनहरा जफर. ओके गाइस, दिस वाज द अटेंडेंस. सो नाउ मेकिंग अ कनेक्शन विद माय लास्ट लेक्चर गाइस. लास्ट लेक्चर, इन माय लास्ट लेक्चर वी पीपल वर टॉकिंग अबाउट द 18th अमेंडमेंट. And in 18th Amendment, we basically try to find out why some serious people in Pakistan, they are of the opinion that 18th Amendment is more dangerous than even the 6th point of Sheikh Mujibur Rahman. So this is a one stance. On the other side, some democratic circles in Pakistan, they are of the opinion that in the last 72 years, rather in the last, before the advent of the 18th Amendment, in the last 60 years, provincial governments, they were not having any right. They were not having their social, economic, political right. So in 18th Amendment, they got their social, economic, political rights. And now the provinces, they are in much better position. Since they are in much better position, so if the provinces, they are satisfied, it means that the federation would be getting strong. And if the provinces, they are suffering because of the deprivations, if the provinces, they are raising their slogans and there is nobody to listen to their voice. So what would be happening? Ultimately, they would be revolting. So now these are the two stances. Two instances that we are trying to find out who is right. So I would be making you people to make your own opinion. I would not be making you people to come with my line whether it is a good or bad. So in my last class, whatever the things that we learned, that I told you that total 102 changes, they were being made in 70 articles. And the biggest criticism against the 17th and the 18th Amendment was that it has almost changed the quarter of the constitution. So under the constitutional framework, such large amendment was not required and is not, it is not even permissible. Ye allow bhi nahi hai. So if the government was willing to make such large amendment within the content and the context of the constitution, then the government was supposed to go for the referendum rather than going for the amendment. Okay. Now, the biggest ever change, as I told you, that Pakistan People's Party and Pakistan PMLN, they made a charter of democracy. And in charter of democracy, they made some agreement that and they made a promise with the people of Pakistan that when they will be coming into power, they would be purging the constitution from all the anomalies which are being made a part of the 1973 constitution. They would be removing all the anomalies. They will be purging the constitution from all the anomalies which are being made by the different dictators in the part of the 1973 constitution. So this was a promise. And then the committee was being made, 26-member committee was being made. In that 26-member committee, Senator Raza Rabbani was heading that, and later on they presented their draft and total, and this is how the 18th Amendment was being passed. The things which were being liked by us was all about the basic fundamental rights. Okay, no intra-party election was something that one which we people were not having very our reconciliation, whether it is a good or bad. And then the meaning of the high treason means earlier it was written that the dictator, if it would be abrogating the constitution, would be hanged till death. A high treason would be filed against him. But now it is again decided that from now onward, if any dictator would be imposing the constitution, and it will be getting the stamp of affirmation from the, what you call, from the judge, then the judge, it would be having the stamp of affirmation over the illegal action of the dictator, would also be hanged till death. Ye baat hume dekha humne last class mein. And then role of Senate was increased, as I told you in my last class. Reduction of the powers of the president, we also talked about in my last class. The qualification for the election of parliament means Article 62, 63, the criminals, they are allowed to be part of the parliament. Defection clause, we also talk about in 1963A. And then we talk about the presidential power and then executive authority. Removal of the bar on third term office of the prime minister, it is also being discussed in my last class. Size of the cabinet is again being discussed in my last class. Now the important things, very, very important thing, guys, very important thing. And I want to have your attention over it. Okay, the things that we are going to discuss now, the leftover things, and you will be making your opinion. Remember one thing, guys, in every federal state, basically power is devolved. Central government devolves its power in the provincial setup, and provincial governments, they dissolve their power to the local government system. In 18th Amendment, it is now being decided that
under the constitution, it is being decided that the chief election commissioner of Pakistan, the election commission as an institution of Pakistan, they would be making the provisional governments to conduct their local government systems. Yaad rakhiyega, Pakistan ke andar ye bada aap logon ne demonstration dekha hoga ki aapke jo chief minister sahab hain wo koi badi sadak ka agar iftitah ho raha to khud sadak iftitah karne chale jaya karte the, ya koi sewerage ka pani nikalwa rahe hain wahan pe khade hokar direct karte aise karo aise karo aise karo wagera wagera wagera. ये छोटे दर्जे की काम है, ये लेबर्स वगैरह, ये काउंसलर्स वगैरह, ये मेयर्स वगैरह करते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स को आना चाहिए. और ये क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में काम नहीं करता, दैट्स व्हाई सिंस द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डज नॉट वर्क इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई द चीफ मिनिस्टर इज सपोज्ड टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. अगर पावर डिवॉल्व हो जाए, लोएस्ट लेवल तक पावर डिवॉल्व हो जाए, तो क्या होगा कि लोगों के मसाइल उनके घरों की दहलीज पे हल होना शुरू हो जाएंगे. So under Article 140A, now it is being made compulsory. That the Chief Election Commissioner of Pakistan, the Election Commissioner of Pakistan, would be making the provincial governments responsible for conducting the local government elections in Pakistan. बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. अच्छा पहले क्या होता था, ये जो अटॉर्नी जनरल साहब होते थे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट, वो अपने गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो अटॉर्नी जनरल जो होते थे वो क्योंकि लॉयर होता था, तो ही यूज्ड टू हैव हिज प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल. तो वो जब केस पकड़ता, पहले 10 लाख की केस जाके ना 10 लाख की फीस 1 करोड़ तक पहुंच जाती थी, देन व्हाट यूज्ड टू हैपन. और फिर जब अटॉर्नी जनरल साहब अपना क्लाइंट को लेकर कोर्ट में आता, तो उसके साथ कॉन्वे होते, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा कॉन्वे होता, वो सारा जाके पूरे इलाके को मफलूज कर लेते. और वो जब कोर्ट में दाखिल होता तो जज उठ कर खड़ा हो जाता उसके लिए. दिस यूज टू हैपन अर्लियर इन पाकिस्तान. तो इस चीज को रोकने के लिए नाउ इट इज बीइंग मेड कंपल्सरी दैट इफ यू आर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यू आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, देन यू विल नॉट बी हैविंग द प्राइवेट प्रैक्टिस. ये अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी बात थी. अच्छा अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली कंपोज ऑफ 16, 17 और 18 जजेस, उसके अंदर परमानेंट जजेस है. इफ दीज जजेस दे गेट रिटायर्ड तो देयर पोजीशन वुड बी वैकेंट, अगर उनकी पोजीशन खत्म हो जाती है, एंड इफ न्यू जज इज नॉट अपॉइंटेड टाइमली, देन द पाइल अप ऑफ द केसेस वुड बी हैपनिंग एंड जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाएगी. तो क्या होगा, तो इस सिलसिले के अंदर हाउ टू अपॉइंट जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू अंडर द 18th अमेंडमेंट, इट वॉज डिसाइडेड दैट अ जुडिशियल कमीशन कंपोज ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट वुड बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करेंगे, देन व्हाट. अब जरा गौर से सुनिएगा क्या हुआ, क्या बात हुई. चीफ जस्टिस सिंस इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो ही वुड बी रिकमेंडिंग to the person to whom he is willing to see as the judge of Supreme Court, and his recommended name, yani ki judicial commission will be recommending the name of the people to whom they are willing to see as the judge of Supreme Court, jisko dekhna chahte hain Supreme Court ka judge. Okay, then that name or names, they would be given to the another committee that would be known as, that was named as the parliamentary commission composed of the 8 members. Judicial commission composed of the 7 members, parliamentary commission would be composed of 8 members, and this parliament commission was having the full responsibility to reject or accept the names. And if the names they are all together being rejected, agar ho jayenge, again the judicial commission would be sending the names of the other peoples. तो दिस इज हाउ ये मसला पाकिस्तान में चलता रहता, और जज अपॉइंट नहीं होता था, उसकी वजह एक सिनेरियो था इसके पीछे. दिस अमेंडमेंट वाज हैवीली बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द लीगल सर्कस इन पाकिस्तान, इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड देन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, अनदर अमेंडमेंट वाज ब्रॉट टू एड्रेस दिस इशू अंडर द 18th अमेंडमेंट एंड 20th अमेंडमेंट. समहाउ सम लीगल इशूज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दोज इशूज वर बीइंग एड्रेस्ड. और यानी कि ये सबसे बड़ा मसला था. Chief Justice कहता, I want to see these people as the judge of Supreme Court and the Judicial Commission is of the and the Parliamentary Commission is of the opinion. And if these people would be coming, they would be opening their own their cases. And political parties ke cases open ho jayenge. This is how the situation would be going on. And the judge used to was never being allocated. ये इसका पूरा एक scenario है. People's Party के दौर के अंदर, you are having the knowledge that Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhary was there and he was considered an anti. PP चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान. तो ये जजेस अपॉइंट नहीं होते थे,
और वो और उसकी वजह से वो मसलसल उनकी तादाद कम होती जाती थी. फिर ही वॉज फोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन गेव हिम अनदर वे टू अपॉइंट सम जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑन एडहॉक बेसिस. और इस तरीके से एडहॉक बेसिस पे जजेस, तो क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये सिनेरियो था कि ये चीफ जस्टिस हमारे केसेस खोलता है. जैसे कि आपको पता है ये जो हमारे साकिबुल निसार साहब थे, ये नून लीग के खिलाफ नजर आता है हमें. ऐसे ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बारे में कहा जाता था ही इज एनटीपीपी, एनटीपीपी जज. तो इस तरीके से ये मामला चल रहा होता था. एनीवे खैर, तो ये इशू ही दिस इशू वाज वेरी क्रिटिकल. लेटर ऑन इट वाज बीइंग एड्रेस्ड बाय अनदर अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट के जरिए इसको हल किया गया. उसके बाद देर यूज टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. व्हेनेवर द आउटगोइंग गवर्नमेंट, व्हेनेवर द गवर्नमेंट यूज टू कंप्लीट इट्स टेन्योर, जब वो अपना टेन्योर पूरा करती थी, देन जाने से पहले ही दैट गवर्नमेंट यूज टू अपॉइंट इट्स ओन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ताकि इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन. उससे लेने के लिए वो अपना चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देती थी. ओके, हियर नाउ अंडर द 18th अमेंडमेंट इट इज बीइंग मेड कंपल्सरी दैट the prime minister before the prime minister would be sending the three names, and the three names would be sent by the opposition leader, and those names would be sent to the parliamentary commission that would be composed of 12 members, and 6 members would be taken from the opposition benches and 6 members would be taken from the treasury benches. And if parliamentary commission is going to have a consensus on any one person, I mean out of the 12 members, if the parliamentary commission is going to have a one consensus on any one person, then that person was to be appointed as the chief election commissioner. Aur ye aapko pata hai Pakistan, in Pakistan you know the political differences between the ruling party and opposition party used to be very high, and the issue used to be resolved by no means aur ye ad hoc basis ke upar jaise, aur supreme court then later on by the constitution was forced to send their judge in order to fill the vacancy. Is tarike se unke paas already judges kam hote the, ek judge wo yahan pe bhejte the, तो क्या होता था और जज कम हो जाते थे उनके पास. तो इसका पूरा बैकग्राउंड था. तो अब ये एक चीज अच्छी थी कि नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाय कंसेंसस बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड द अपोजिशन बेंचेस. बट द प्रॉब्लम वाज दैट अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट यूज्ड टू हैव देयर नो कंसेंसस ऑन एनी वन पर्सन. दैट्स व्हाई द स्ट्रग ऑफ वॉर और द सिचुएशन यूज्ड टू कंटिन्यू, एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट वाज फोर्स्ड by some petitioner that the vacant position of the chief election commissioner must be filled, because the chief election commissioner is having the responsibility to conduct the by elections, general elections, local body elections. So that constitution should never remain vacant. aur lekin ye khali rehti thi aur is wajah se problem hote the. to ye issue ko is tarike se hal kiya gaya iske andar aur permanent. aur dusri baat kya hoti thi, whenever there used to be any government, they used to usually have the tendency to appoint a person on the seat of the chief election commissioner, the person that used to be considered billboard guy, jo billboard guy hota usi ko appoint karte the. then fir kya hota, or until unless the person is working in accordance to the policy of the government, jab tak wo policy of the government chalta rehta wo rehta, aur jab wo thoda sa legal hone ki koshish karta thoda sa constant, usko government remove kar deti thi. now chief election commissioner under the constitution of Pakistan in 18th amendment is having the 5-year tenure, permanent. Nobody can replace chief election commissioner, and chief election commissioner is reconstituted. Now the election commissioner is composed of 5 members. One is the chief election commissioner and the 4 member commissions, one from each province of Pakistan. The 4 members, one from Punjab, one another from second from Sindh, Balochistan, and KPK, 4 members chief election commissioner and one chief election, and these people are the permanent, these are the permanent members. Nobody can replace them. कोई भी इनको रिप्लेस नहीं कर सकता था. अंडर द 18th अमेंडमेंट नाउ व्हाट हैपेंड, द चीफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशनर हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा नाउ सिंस आपको ये एक बात बताना चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 17th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन पाकिस्तान, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर. In the 18th amendment, the parliamentary system was restored, and the laws which were related to the presidential powers, they were being excluded. So schedule 6 of 1973 constitution and schedule 7 of 1973 constitution, schedule 6 and schedule 7 of 1973 constitution, they are excluded from the constitution. Under this schedule 6, there were total 35 laws,
and under the schedule 7 there were total 8 laws, 35 plus 8, 43 laws related to the presidential power. They are taken and excluded out of the constitution. Ji Kamal Awais beta, quick sawal puchna cha rahe ho? Sir, am I audible to you? Haan ji, bataiye beta. Sir, as presidential system is favorite system for any president, then why President Mr. Asif Zardari changed the presidential system into parliamentary system, sir? Achha, beta, here again, the person made a trick. Trick in a way that half power of president were being surrendered and half power were being retained. Remember one thing in parliamentary system, the power is exercised by the prime minister on the name of the president. And president used to be the ceremonial head. President used to be the symbolic head. कुछ नहीं होता उसके पास, एग्जेक्टिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है. हाफ पावर मींस आर्टिकल 58(2)(b) के अंडर, अंडर द आर्टिकल 58(2)(b) द पार्लियामेंट, नाउ द प्रेसिडेंट वाज नॉट अलाउड टू डिसॉल्व द असेंबली टू इंपोज मार्शल लॉ और इमरजेंसी, बट द पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज चीफ वर बीइंग रिटेन्ड बाय द आसिफ अली जरदारी बिकॉज दीस अपॉइंटमेंट्स यूज्ड टू बी वेरी क्रिटिकल. So Asif Zardari was not willing to surrender. So half power of president, they are being surrendered under the 18th Amendment. And half power, they are not being surrendered. इसमें भी trick किया था उन्होंने. Okay? Okay, guys. Yes, sir. अब आगे चलते हैं. So Schedule 6 and Schedule 7 from the 1973 Constitution, they are thrown total 43 laws and of Schedule 6 and Schedule 7, they are thrown out of the Constitution. Yes, sir. Now, very, very important thing, guys. Very, very important thing. And this is something that is very important. Remember one thing, guys. There was a time when provisional governments, they used to have no legal, political, and economic rights. Under the interim constitution of 47, even in 1956 and 62, there was no concurrent list. There was no provisional list. And there was only one list, federalist, centralist. Means... provinces, they were looking towards the central government to have power. Now under the 18th amendment, a lot of powers they are given, a lot of money is given to the provincial governments, and provincial governments, they became very rich. And now problem kya hai, they became so much rich that they are not having the way to where to spend the wealth which is coming from the central government to them. Ab itna paisa in logon ke paas hai. Let me give you an example of Balochistan ke andar kya hai. Before the 7th NFC award, and the total budget of Balochistan used to vary around 50 billion rupees, 100 billion rupees to 150 billion rupees tak. 150 billion rupees ke tak wo, the annual budget of Balochistan used to gravitate, used to revolve. Under the 7th amendment, under the 18th amendment, what happened? Now the total budget of Balochistan has exceeded from the figure of 500 billion rupees. Kahan pe 150 arab dollar aur kahan pe 500 million kahan se 150 arab rupiah aur kahan par 500 arab rupiah se zyada ka budget. Wajah kya hui hai? 7th NFC award ke tahat, now the provincial governments, they are made economically autonomous, politically autonomous. They are not now looking towards the central government in order to get money. And this is not the thing, guys, actually. Main aage aake aapko misal hoon. Ab inke paas itna paisa hai. Let me give you an example. Balochistan ke andar salana, you know, it is the 44% of Pakistan's total territory. Balochistan ke paas itna paisa hai ke annually out of the budget jo inke paas hota hai, un mein se 50 billion rupees, 100 billion rupees, they are not spent on the infrastructure project because the provincial government is not having the idea where to spend those money. और वो पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देते, हमें पता नहीं है कहाँ खर्चना. व्हाई यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन द एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, हेल्थ प्रोजेक्ट्स, सैनिटेशन प्रोजेक्ट, अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल. वो सारा पैसा वापस कर देते सेंट्रल गवर्नमेंट को, वापस कर देते. यू विल सेंड बैक द होल मनी बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इतना पैसा इनके पास और बजट बढ़ा. अब मैं आपको बताता हूँ कैसा पैसा बढ़ा इनका अंडर द 7th एनएफसी अवार्ड. याद रखिएगा, यू नो अप टिल नाउ in the interim constitution of 1947, in the 1956 constitution, the 62 constitution, and even 73 constitution, concurrent list was existing. And concurrent list, you are having the idea that on concurrent list, not only the central government, but the provincial governments, they also used to make legislation. But in case of the conflict between the legislation being done by the central government and the provincial government, then the legislation being done by the central government used to prevail, means dominate. So, matlab hai ki in concurrent list,
who used to dominate? Central government used to dominate. Central government dominate karte thi uske upar. Acha, ab kya hua? Under the 18th Amendment, concurrent list is abolished once for all. Hamesha ke liye usko khatam kar diya gaya. Hamesha ke liye khatam kar diya gaya. And the almost 47 subjects of concurrent list, they are being divided between the central government and most of the subjects they are given to the provincial governments. Provincial governments ko de diya gaya. And the very important subject is based on the sale tax. You know, sale tax kisi ko nahi milta tha pehle. Central government leta tha. Ab itna sale tax subhon ke paas aa gaya. Yani ki agar aap ek sabun lete hain, fine, so koi bhi kisi bhi brand ka ek sabun le lein, Lux ka le lein, Capri ka le lein, uski 60 ki jo bar hai uske upar koi 30% ke 30 rupees ka jo tax hai wo jata hai central government. Sale tax jo uske upar hai. वो पहले अब सूबों के पास है यानी ऑन एवरी प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग सोल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी प्रोविंस दैट प्रोविंस इज गेटिंग द सेल टैक्स एंड दिस इज हाउ प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स दे बिकेम वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पैसे के लिहाज से बहुत इसी वजह से दे आर और इतना पैसा इनके पास हो गया कि अब आपको पता है वो एक रईसानी थे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ बलोचिस्तान उसके अंदर उसके घर से कैसा पैसा निकला था मशीन्स दे वर बीइंग ब्रॉट ओवर देयर यू नो मुश्ताक रईसानी इतना पैसा आ गया आप सूबों के पास और अब मैं सबसे बड़ा मसला आप लोगों को बताता हूँ कि ये हुआ क्या याद रखिएगा नेशनल इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें टैक्सेस भी हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स भी हैं जिसमें ट्रेड भी है जिसमें फॉरेन रिजर्व भी हैं रेमिटेंसेज भी है सारा नेशनल इनकम इकट्ठा होता है सेवंथ एनएफसी अवार्ड के तहत वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इस बात को आप लोगों ने समझना है सेवंथ एनएफसी अवार्ड की वजह से फ्रॉम A formula is being made. How to divide that money from of total national income into the central government and provincial governments ke darmiyan kaise between the central government provincial governments ke darmiyan kaise taqseem karna hai usko. Ab usko zara samjhne ke liye zara dekhe. Concurrent list khatam kar di gayi aur phir banaya formula banaya gaya. 7th NFC award ka. Wo kya hai zara gaur se dekhiyega. Ke ye bataya gaya ke from the total income, national income, 80% resources, 80% income would be given, distributed among the provinces on the basis of population. Yani ke total national income ka 82% would be distributed on the basis of income among the provinces. Number one indicator. Number two indicator, poverty and backwardness. The provinces which are comparatively more backward and poor, unko zyada milega aur uska ratio banaya gaya. ये किसको मिला सिर्फ बलोचिस्तान को केपीके को मिला और सिंध के रूरल एरिया को मिला पंजाब को नहीं मिला 10.3% ये जो पैसा टोटल इनकम का 10.3% वाज एलोकेटेड फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस और ये ज्यादा शेयर मिला बलोचिस्तान को दूसरा मिला इसका रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन की बुनियाद के ऊपर 5% फ्रॉम द टोटल नेशनल इनकम इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द प्रोविंसेस बेटा क्लास हो रही है उसके बाद आइएगा एंड देन the four integrated inverse population density and you know that this this issue very important and most of the times in Punjab and rather in KPK and Balochistan what we have that the people who are living in the hilly areas because of the extreme temperature they are forced to come down in the ground areas and ye cheez hame Balochistan mein and KPK we usually see very common thing aur wahan pe log aate hain तो इसको करते हैं इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी एंड व्हेन द टेंपरेचर गेट सेटल जब चला जाता है ये लोग वहां से उठ के दोबारा अपने पहाड़ों पे चले जाते हैं पहाड़ों जहां पे रहते हैं वो लोग तो इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी में फ्रॉम द टोटल इनकम 2.7% वाज फर्दर टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द प्रोविंसेस के अंदर देना था दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेवंथ एनएफसी वार्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स दे बिकेम वेरी रिच एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन करप्शन हैज ऑल्सो स्टार्टेड and it has crossed all the boundaries ab pehle corruption hoti thi 20 arab 20 crore ki 100 crore ki wagaira ab hoti hai 400 arab ki 500 arab ki 1000 arab ki is tarah ki corruptions ho rahi hai pakistan mein kyunki paisa hi itna mil raha hai unko ki samajh nahi aa rahi lagana kahan pe aur khai ja rahe hain acha ab aage main aapko misal to is wajah se is according to this formula balochistan ko dusre logon ko aur sindh ko kpk ko punjab ko kitna paisa mila ye dare balochistan ka pehle फ्रॉम द सेवंथ एनएफसी अवार्ड से पहले उसका जो रेशियो होता था फ्रॉम इन द टोटल इनकम 2.3% होता था बलोचिस्तान का कितना हिस्सा होता था 2-3% के करीब होता था आराम मैक्सिमम 5% होता था अब इसको मिला 100% इंक्रीज कितना 9.09% वाज गिवन टू द बलोचिस्तान
और इसी वजह से 150 अरब रुपए का जो बजट है एनुअल बजट, इट हैज एक्सीडेड द फिगर ऑफ 500 बिलियन रुपीज एज वेल। 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बलोचिस्तान का बजट हो गया है। अच्छा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को 10% के नाउ 9% मिलता था, खैबर पख्तूनख्वा को मिला 14.62%, 14.62% खैबर पख्तूनख्वा को मिला। उसके बाद पंजाब गॉट, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, पंजाब गॉट ऑलमोस्ट 53% के करीब, अराउंड 53%। लेकिन एट दैट टाइम केपीके and Balochistan, they were suffering because of the war against terrorism, and their governments were supposed to spend more money in order to eradicate the phenomenon of terrorism in Pakistan. So Punjab, from its share, surrendered almost 1.5%, around 1.5% ke kareeb. Aur ye paisa Balochistan ko diya aur KPK ko diya, jisse inke arbon rupaye further inko mila, aur Sindh ko mila 24.55%. And this is how now the provisional governments, they became very financially autonomous. Another thing, now the thing is very important thing, guys, is cheez ko aap logo ne samajhna hai kaise. Aslam beta, main aa raha hu aapki taraf, maine aapka haath khada hua dekha, main isko complete karke main aata hu aapke paas. Acha, isme ek aur badi important baat hai. Now the provisional governments, they are allowed to even take loans from the international financial institutions or friendly countries. Pehle ye kabhi nahi hota tha. Now the provisional governments, they are made fully autonomous to initiate their infrastructure project, logistical communication projects, health, education, sanitation project, directly in coordination with the other foreign countries as well. Ye 18th amendment ke andar diya gaya subah ko, isse pehle nahi hota tha. Aur ab subah ka, ab central government ka kirdaar hai usne sovereign guarantee iske upar lagana hai. To ye subahon ko itna paisa in subahon ko mila, and they financially became, ab kuch isme ji, ab aslam bataiye, aap koi question puchna cha rahe hain beta? यस सर, सर मेरा क्वेश्चन अमेंडमेंट्स के थ्रू है यार। सर अमेंडमेंट वो होता है जो पहले नेशनल असेंबली से पास हो जाए और फिर सेनेट से पास हो जाए, और हमारे अमेंडमेंट्स 9th, 9th and 11th और 15, ये तो सिर्फ नेशनल असेंबली से पास हुए, सेनेट से नहीं, ये फिर क्यों हम अमेंडमेंट्स में रखते है? और सेकेंड क्वेश्चन ये सर, ये जो बलोचिस्तान और हर सूबे को जो इतने ज्यादा फाइनेंशियली इम्प्रूव कर रहा है, तो फिर ये पैसा कहाँ जाते हैं? यानी करप्शन तो बिल्कुल आम हो गई है, लाइक दिस काइंड। ओके, आई गॉट इट। मैं बड़ी अच्छी बात की आपने असलम बेटा। देखो, जो अमेंडमेंट्स पास हो गई हैं सेनेट से, दे आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, दे आर वेटिंग फॉर देयर अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल असेंबली। ये बात याद रखना आपने एक बार, ठीक है? मेरी बात समझ आई? The amendments which are being passed from the Senate, they are waiting for the feasible time when they would be getting passed from the Parliament, National Assembly as well. So iska matlab, that's why, since one house has approved them, that's why they are being considered as the potential amendment. Ye baat yaad rakhna apne, okay? Isliye usko kehte hain. Dusri baat. Yes. Dusri jo badi important baat hai, कि पैसा इतना मिला, मुश्ताक रईसानी की, आपने खुद ही बता रहे थे कि मुश्ताक रईसानी के घर से कितना कुछ पैसा निकला। वो एक मुझे ना अपने हमसाए मुल्क की एक मूवी याद आ जाती है, जिसके अंदर वो दिखाया कि उन्होंने के वॉशरूम से, पानी के टैंक से, सोफों के अंदर से, छत के अंदर से, सीनरियों के बैग से बिलियंस ऑफ रुपीज निकल रहे थे। तो वो वैसा बिल्कुल सेम सीन वॉज बींग सीन ड्यूरिंग अ रेड, जब रेड किया और मुश्ताक रईसानी के घर से इतना पैसा निकला, 2-3-4 अरब रुपया तो कहीं नहीं गया होगा, और वो बीच में खाया भी लोगों ने, बड़ा कुछ हुआ। तो ये सारा कुछ हो रहा था, इतना पैसा आ गया। अब मैं आपको मिसाल देगा, मैं क्योंकि बहुत ट्रैवल करता हूँ छुट्टियों के अंदर, तो बलोचिस्तान को जाते हुए, पंजाब से जाते हुए एक सड़क आती है जो बहुत लंबी, जो बलोचिस्तान को सीधा जा रही है खुजदार की तरफ से, वहां पे ट्रैफिक की जो जनरल स्पीड है, अभी तो खैर चेक पोस्टें बन गई हैं, लेकिन फिर भी एक लंबे लंबे एरिया के अंदर रेसें लगती हैं, और आम गाड़ी, चाहे वो हिनो बस है, चाहे वो कार है, चाहे वो कुछ भी है, 120 के ऊपर वो डेली कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट होता है। और उसके अंदर डिवाइडर लगा के सड़क क्यों नहीं बड़ी करते? ये 100-100 अरब रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं आप, लोगों की सड़कों पर लगाएं,
सिटी लाइट्स पे लगाएं, हेल्थ एजुकेशन सैनिटेशन के ऊपर लगाएं, लोगों को पता चले, प्रॉब्लम्स उनके घरों पे सॉल्व हों। आप चेस्ट का हॉस्पिटल लगाएं, कैंसर के हॉस्पिटल, आई का अलग स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनाए, यानी पूरी ह्यूमन फिजिक के ऊपर, और 10-10 अरब रुपया लगाकर आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप 100-100 अरब रुपया वापस कर देते हैं, हमें पता नहीं हमने कहाँ लगाना है, ये कोई बात है करने वाली? आप लोगों को फैसिलिटेट करें, बलूचिस्तान के लोग बेचारे चलाते हैं कि हमारे हक खा गए सारे, खाए उनके हक, इसमें कोई शक नहीं है, खाएं, लेकिन अब जो पैसा आ रहा है तो उसको लगा क्यों नहीं रहे आप? क्यों वापस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? सारा पैसा वापस जा रहा है और पता ही नहीं है कहाँ लगाना है, और ये सारा कुछ हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। हेल्थ के प्रोजेक्ट शुरू करें, एजुकेशन के करें, सैनिटेशन के करें, क्लीन वाटर, 45-45 किलोमीटर एवरेज चलना पड़ता है खवातीन को साल्टी वाटर लेकर आने के लिए, आर्सेनिक का पानी लेकर आने के लिए, बेचारा वो टेम्परेचर की वजह से आधे से ज्यादा उड़ जाता है, वो जो पिक्चर्स के अंदर पानी आ रहा होता। क्यों नहीं आप क्लीन वाटर उनके लोगों को देते हैं? क्यों वापस करते हैं पैसा? ये हो रहा है पंजाब NFC अवार्ड के तहत, 77 NFC अवार्ड के तहत ये, अच्छा अब ये इतने सूबे पावरफुल हो गए हैं कि उनमें करप्शन बहुत ज्यादा हो गई, एक बात। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात सुने, बताया ये गया कि आफ्टर इन 18th अमेंडमेंट इट इज रिटन दैट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम द शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन द नेशनल इनकम वुड बी इंक्रीजिंग एंड द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी डिक्रीजिंग। अब इस वक्त सूरत-ए-हाल दिस इज द प्रोविंशियल लेवल एंड दिस इज द सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज गेटिंग लेस रिसोर्सेज एंड प्रोविंशियल दे आर गेटिंग, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस गैप वुड बी इंक्रीजिंग लाइक दैट। Provincial governments, they would be becoming more and more and more rich, and the central government would be becoming poor and poor with the passage of time. आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक state है जिसको eastern border से western border से बहुत ज्यादा threats हैं, और पैसा बहुत ज्यादा लगता है defense के ऊपर। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर infrastructure projects देखना, foreign policy को चलाना, national policy, economic policy को लेकर चलना, तो central का बहुत किरदार है। अब उसका आपने उसका हिस्सा बिल्कुल कम करते जा रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल कम होता जाना है, और प्रोविंसेस का ये लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन द 18th अमेंडमेंट, और ये बड़ी डेंजरस बात है। इसलिए सम सीरियस सर्कल इन पाकिस्तान, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट 18th अमेंडमेंट इज मोर डेंजरस इवन देन इवन द 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, एक बात। दूसरी बात ये है कि बिकॉज ऑफ द एबोल्यूशन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट खत्म करने का रेजोल्यूशन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, क्या हुआ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स वो सूबों के पास चले गए जो नहीं जाने चाहिए थे। जिनमें से एक सबसे बड़ा मैं आपको मिसाल देता हूँ, एजुकेशन का। एजुकेशन के जाने की वजह से आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर NWFP में और सिंध में सम ऑफ द टाइम्स नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ जाती हैं, और उन्होंने कुरिकुलम के अंदर ऐसे चेंजेस किए हैं जो कि एथनिसिटी नेशनलिज्म के ऊपर बेस करती हैं, एंड दोस थिंक दे आर नॉट बीइंग लाइक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब उस वजह से क्या हुआ कि जो आइडियोलॉजिकल जो बेसिस है स्टेट की वो कमज़ोर हो रही है। उस कमज़ोर होने की वजह से वो सूबे कहते हैं हमारे 18th अमेंडमेंट के बाद ना वही आर ऑटोनमस, डोंट इंटरवीन इन आवर अफेयर्स, हमारे मामला में इंटरवीन ना करें, दे आर नॉट विलिंग टू गेट एनी काइंड ऑफ डिक्टेशन, वो कोई डिक्टेशन नहीं लेना चाह रहे उनसे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, दे बिकेम पॉलिटिकली ऑटोनमस, दे बिकेम इकोनॉमिकली ऑटोनमस, दे बिकेम इन मेनी अफेयर्स दैट दे गॉट। और वो अब जो जो स्टेट की जो आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं, उन आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर दे आर पोसिंग अ क्वेश्चन। तो इस वजह से आपको पता है जो एजुकेशन होती है ना वो कौम बनाती है, एजुकेशन कौम बनाती है एक। और अगर डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान में अगर डिफरेंट किस्म की एजुकेशन पढ़ाई जा रही है तो द पीपल ऑफ डिफरेंट मेंटेलिटीज, द पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियाज, दे आर बीइंग जनरेटेड। वी आर नॉट बेसिकली क्रिएटिंग अ नेशन, वी आर क्रिएटिंग अ क्राउड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राउड्स। तो ये एजुकेशन की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले, प्रोविंसेस के पास चले गए, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद देम, वो कुछ भी नहीं कर रहे उसके साथ, और ये शेयर जाना चाहिए था उनके पास। आयशा खान बेटा आपने सवाल पूछा था, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हमने ये राइट दे दिया कि वो इंटरनेशनली वो जो है वो लोन ले सकती हैं, तो सर जब बस अपना पैसा है पड़ा और हम बाहर से पैसा मांग रहे हैं, इसके अगेंस्ट कोई रूल्स नहीं है, तो हमारी इंटरनेशनल रिप्यूट के अगेंस्ट है?
आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे कहने का मतलब है, मैंने बताया कि 18th अमेंडमेंट में नाउ प्रोविंसेस दे आर सो मच पावरफुल, इतने पावरफुल हो गए कि अब उनका डायरेक्ट एक्सेस से वो चाइना से पैसा ले सकते हैं, वो चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो IMF से पैसा ले सकते हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी गिविंग द सॉवरेन गारंटी, हाँ ये जो सूबे हैं ये पैसे वापस कर देंगे, बस ये काम रह गया, इतना इनके पास पैसा आ गया है। और ये और करप्शन भी, पहले मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती थी 10 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की मैक्सिमम होगी, अब होती है 400 अरब की, 700 अरब की करप्शन, क्योंकि पैसा कहां से इतना जो आ रहा है, 500 अरब खा गए, 700 अरब खा गया जी, 2-3 बंदे मिलके खा गए और ले गए स्विस अदालतों में, कनाडा ले गए, USA ले गए, पैसा लेके भाग गए और ये चल रहा है। इतना ज्यादा पैसा MQM के दौर के अंदर, एक आपको पता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट बनाई है, पोर्ट्स जो होती हैं ये शिपिंग के जरिए, शिप्स के जरिए और बोर्ड्स के जरिए पैसा मनी लॉन्डर किया गया है लंदन में, बैग्स के बैग्स, बोरियों के बोरियां भर भर के, और डायमंड्स एंड गोल्ड एंड सो एंड सो फोर्थ ये पाकिस्तान से निकाला गया, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा था, अब आपको पता है कराची को मेंटेन करने के लिए कम से कम 700-800 अरब रुपया चाहिए होता है, और ये 700-800 अरब रुपया मिलता है और ये लेकिन इस्तेमाल हो जाता है, सारा का सारा खा लिया जाता है, लगता नहीं है। इसी वजह से कराची के अंदर तो पानी, सीवरेज, कूड़ा करकट का जो इश्यूज है इन कराची, सी हर तरफ स्टिंकिंग स्मेल आ रही है, इतने बुरे हालात हो गए हैं कराची के। अच्छा बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, उसके बाद एक और बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन अंडर द 18th अमेंडमेंट। व्हाट इज दैट? वो इनिशिएटिव ये है कि अब whenever there used to be the provincial setup and the central setup, there used to be no interaction between the provincial governments and the central government. Central government and provincial governments ke darmiyan koi interaction nahi hota tha. Acha, theek hai. Ab kiya Council of Common Interest. Council of Common Interest is being made. 4 chief ministers of Pakistan, 4 provinces, the Prime Minister of Pakistan and the 3 federal ministers. They would be sitting together quarterly, meaning four times a year, and they would be resolving their issues with consensus rather than coercion and force. वो इस तरीके से करेंगे। ये बहुत अच्छे डिसीजन है कि now coordination between the central government and the provincial governments, they are getting increased. बड़ी अच्छी बात है। ये इसमें अंदर किया गया। और जी असलम बेटा, कोई सवाल पूछने? Yes sir, sir ये जो यानी for example हम पैसे भी हमारे provincial province पैसे भी ईरान ये बार foreign countries से ले रहे हैं, यानी मतलब सर फिर वो हमारे बड़े लोग ये उससे छुपा रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इस तरह हो गया सर, जैसे हम मूवीज देखते हैं वो मूवी में डायमंड और गोल्ड वगैरह छुपाते, इस तरह फिर वो फिर इनके खिलाफ सर मेरा क्वेश्चन वो भी इसका वो पिछले मरतबा जो मैंने किया था, मेरा पर्पज वो था कि अगेंस्ट इसके क्या करनी चाहिए ये अनफॉर्चुनेटली यही है कि जो लोग इस तरह की चीजों के इन्वॉल्व होते हैं, दे यूज्ड टू बी वेरी कनेक्टेड, नॉट ओनली विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दे यूज्ड टू बी कनेक्टेड पॉलिटिकली एज वेल, और उनके बड़े लिंक्स होते हैं, दे गेट बेल आउट और वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं, पैसा लूट के खा जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सारे मामला हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक इदारा ठीक हो जाए ना, एक इदारा, सिर्फ एक इदारा, वह है जुडिशरी। आपका आर्मी चीफ भी उसके सामने आके खड़ा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होगा इसके सामने आके। याद करें हजरत अली के उमर के दौर में, अली के दौर के अंदर काजी के सामने बड़े बड़े अमीर आके यूं यूं खड़े होते थे, एंड दैट काजी यूज्ड टू मेक देम अकाउंटेबल। एक इदारा ठीक हो जाए ना हमारा, सिर्फ एक, पाकिस्तान के 80-90% इश्यूज का हल इसी से हल हो जाएगा। ये तो इतना बड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हमारे मुल्क का कि इस वजह से देखें 4-4 जनरेशन के अंदर केसेस चल रहे होते हैं, 4-4 जनरेशन दे यूज टू फेस देयर सिविल केसेस, दे यूज टू फेस देयर सिविल केसेस, 4-4, और पाकिस्तान के अंदर 20 लाख 30 लाख केसेस का पाइलअप है और वो रिजोल्व नहीं हो पा रहा, वो रिजोल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे मुल्क का सिस्टम इतना गंदा है, इतना गंदा सिस्टम है। सिर्फ एक इदारा ठीक हो जाए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आगे चीजें मैं आपको बता, अच्छा याद रखिएगा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जब मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे मेड अ प्रॉमिस दैट व्हेन दे वुड बी कमिंग इनटू पावर, दे वुड बी क्लींजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द अनोमलीज बीइंग मेड बाय डिक्टेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, एंड विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड द बिगेस्ट चेंज दैट वॉज बीइंग मेड बाय देम, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बीइंग मेड बाय परवेज मुशर्रफ, ऑल PCOs ऑर्डिनेंसेस, पाकिस्तान प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LF1, LF2, emergency ordinances,
presidential ordinances, whatever the ordinances they were being made by a dictator in the 1973 constitution and the whole 17th amendment, all of these things with the single click of pen, they were taken out of the constitution and thrown. और उनको कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के बाहर फेंक दिया गया उससे निकाल के बाहर फेंक दिया और क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर सम गुड थिंग्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एंड सिंस वो कुछ चीजें थी लाइक द मेकिंग ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई और उसको फिर 18th अमेंडमेंट में दोबारा शामिल किया गया लेकिन इट वाज नॉट अलाउड दैट द बेस्ट थिंग शुड बी टेकन ऑफ द 17th अमेंडमेंट एंड द वर्स्ट थिंग दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं किया गया बल्कि those things they were incorporated under the new amendment and everything that was being made by dictator was thrown out of the constitution ye bahut badi change thi very important and biggest change that was being made acha ab kuch achhi achhi cheeze bhi hui hain kuch main aapko jaise batata hu like the people of peshawar aapko pata kitna kp ke kitna bada hai wahan pe high court ke cases ke liye from all over the province the people they used to go to peshawar in order to face the court in any case अब इस वजह से इन 18th अमेंडमेंट मैंगोरा के अंदर हाई कोर्ट बेंच वाज बीइंग मेड अंडर द 18th अमेंडमेंट नाउ इन मैंगोरा के अंदर भी है और पेशावर के अंदर भी दो हाई कोर्ट्स हैं वगैरह एक नई बेंच बनाई गई और बलूचिस्तान के अंदर भी एक नई बेंच बनाई गई कोयटा की हाई कोर्ट थी और तुर्बत के अंदर हाई कोर्ट बेंच अब यानी कि तुर्बत के इलाके के जो लोग थे वो अपने केस के लिए तुर्बत और उसके इधर गिर्द जाएंगे उसको कोयटा जाने की जरूरत नहीं है और कोयटा वाले के जो इर्द गिर्द के इलाके कोयटा जाएंगे हाई कोर्ट में और ये अच्छी चीज़ थी बनाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई इसके साथ अपॉइंटमेंट जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है मुल्क के अंदर तीन प्रीटेक्स हैं अगर एक्सटर्नल थ्रेट आ जाता है कोई दूसरा मुल्क हमला कर जाता है इमरजेंसी लाफज हो जाएगी या किसी सूबे की सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है सिविल वॉर शुरू हो जाती है तो फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है या इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है कोई leader on his own wish would not be imposing emergency except these three scenarios teen scenario maine aapko bataye aur inke bagair wo nahi ye badi achhi baat ki gayi hai iske andar aur I really like it ke things they are being defined emergency aur caretaker setup kaise lagate the pehle kya hota tha outgoing government hoti thi wo apni marzi ka caretaker setup laga deta tha ab kya hota tha caretaker ke liye maine aapko bataya jaise ki कि जब गवर्नमेंट जब असेंबलियां दे वुड बी कंप्लीटिंग देयर टेन्योर दे वुड बी डिसॉल्व्ड देन द प्रेसिडेंट याद रखिएगा मुल्क में जलजला आ जाए मुल्क में इमरजेंसी आ जाए मार्शला लग जाए टू थिंग्स दे आर नॉट डिसॉल्व्ड सेनेट कुड नेवर बी डिसॉल्व्ड अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज परमानेंट प्राइम मिनिस्टर वुड बी गोइंग होम वो चला जाएगा लेकिन प्रेसिडेंट नोबडी कैन टच प्रेसिडेंट एंड नोबडी कैन डिसॉल्व द सेनेट एज वेल सो दीज आर द परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ये परमानेंट है you in order to have political stability there should be someone to regulate the country in the situation of crisis isliye ye logon ko nobody can touch them inko koi nahi pakad sakta ab jo president hai when the assembly they will be dissolved assembly ko dissolve kar diya jayega president with the consultation of the outgoing prime minister and the outgoing opposition leader unke consultation se ek banda appoint karega one person would be appointing as the chief the caretaker prime minister of pakistan और इसी तरीके से प्रोविंशियल लेवल एज वेल विद द अपोजिशन लीडर एट द प्रोविंशियल सेटअप एंड द चीफ मिनिस्टर एट द प्रोविंशियल विद द कंसल्टेशन गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ दीज टू पर्संस कंसेंसस के साथ द पर्सन वुड बी अपॉइंटेड मीन न्यूट्रल पर्सन वुड बी अपॉइंटेड आई एम ऑफ द ओपिनियन ताकि ये सारे मामला वगैरह हो सके हाई कोर्ट बेंचेस बना दिए ऑडिटर जनरल की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है सेवंथ एनएफसी वार्ड का मैंने बताया कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश फॉर एवर हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स के बारे में बताया मैंने आपको सेना और उसके बाद ये जो पेमेंट्स किस तरीके से होनी है फार्मूला क्या है ये सारी चीजें नाउ आई वांट टू हैव सम क्वेश्चंस देन आई वुड बी मूविंग फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं अब आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी और कौन सी चीजें बुरी लगी कमाल अवैस बुरी चीजें कौन सी लगी आपको तीन चार बताइए कमाल अवैस सर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का जो तीसरी मरतबा जो तकर्री है इसकी इसका जो खात्मा किया गया बहुत बुरी चीज़ है दूसरे नंबर पे सर जो एनएफसी अवार्ड के तहत सुबह को जो बजट मतलब हम कम नहीं कर सकते ज़्यादा ही करेंगे ये भी मेरे ख्याल से बड़ी बुरी चीज़ है और सर तीसरे नंबर पे जो सुबह को इतने ज़्यादा इख्तियार दे दिए गए हैं कि निचले लेवल पे हम मतलब इख्तियार दे रहे हैं
और सूबों को मतलब भेजा इख्तियार दिए गए हैं ये भी। और सर चौथे नंबर पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है इनमें जो पार्लियामेंट का रोल सर दिया गया मेरे ख्याल से ये भी ठीक काम नहीं किया इन्होंने। और सर चार हो गई है मेरे ख्याल से। अच्छा और कोई बंदा बताए जी, ये तो बड़ी एक सवाल भी था यहाँ पे। अच्छा मैं आता हूँ, वैसा आता हूँ। कोई और बंदा पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स ऑफ 18th अमेंडमेंट क्या, कोई और एनीबॉडी एल्स? साकी बेटा जी बताओ। सर पॉजिटिव थिंग ये है कि अगर इंसान खुद ठीक हो तो यानी कि ना जो चीज वो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कमाल भाई ने कहा कि प्रोविंसियल को ज्यादा इख्तियारात नहीं देने चाहिए थे, अगर एक प्रोविंसियल का लीडर ठीक होता उसने जितनी उनके अमाउंट मिलती अगर वो सोशल वेलफेयर पर खर्च में हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो उसी जैसे वो बैड इफेक्ट पड़ेगा कि यानी कि वो ज्यादा पहले से ज्यादा करप्शन भी होगी और मुल्क ओके ओके घाटे की तरफ जाएगा। कमाल अगर सवाल पूछिए फिर आगे चलते हैं। सर अभी मैं बताऊं सर, असल में आता हूं आपके पास। अच्छी बताइए बेटा सर, जो रोल ऑफ सर जो रोल ऑफ पार्लियामेंट जो था इंक्लूड किया गया जुडिशियल कमीशन में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में सर, तो सर इसके साथ हम कह सकते हैं अदलिया भी आजाद है सर? देखें ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज अपॉइंट नहीं होता था क्योंकि पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट था वो नहीं चाहते थे कोई जज लगे, क्योंकि जज आएगा तो उनके ज्यादा केसेस खुलेंगे, इस वजह से इसको कॉम्प्लिकेट बनाया गया। लेकिन 19th अमेंडमेंट में लेटर ऑन ये चीजें एड्रेस कर ली गई थी, लेकिन अभी भी जुडिशियल कमीशन के ऊपर पार्लियामेंट कमीशन का किरदार बहुत अहम है। अच्छा ये सारी जो चीजें असलम क्या बताना चाह रहे थे आप बताइए। सर पॉजिटिव चीज ये है कि आर्टिकल नंबर 6 ये हाई ट्रीजन केस ये जो फास हो गई ये बहुत अच्छी हो गई, जैसे कोई भी इमरजेंसी या इस तरह चीज लगा देता है तो उसके लिए हाई ट्रीजन केस का मुकदमा चल सकता है। और दूसरी पॉजिटिव चीज ये सर के ये जो प्रोविंशनल ऑटोनॉमी दे दी गई, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं जैसे कि एजुकेशन के हवाले जो आपने बताया ये सिर्फ इसका ये वो था। और फिर सर आइए आर्टिकल नंबर 25 इट मीन दैट इट विल until 16 years due to every individual free education it is compulsory। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें right of free education मिल गया जो पहले नहीं दिया गया। सुरैया कौसर बेटा बताइए कोई question करना चाह रही हैं? नहीं सर बस इतना बताना चाह रही थी जो सर abolishment of जो concurrent list था that was also very good because it reduced the domination of the central government over majority of the areas। Okay guys ये 18th amendment के बारे में whatever we wanted to discuss हमने कर लिया है, ज्यादातर चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं, इसकी जो रीडिंग में ग्रुप के अंदर शेयर की। जी बेटा कमाल अवैस जी अल्लाह बचाए। सर मेरा सवाल ये था कि ना जो एक तो बात आपने जो कही कि ना बजट सारा देखें प्रोविंसेस सारों का अपना बजट मिलता है और सब कुछ होता है, तो फिर उसके बाद भी प्रोविंसेस का आपस में झगड़ा क्यों चलता है? ज्यादातर प्रोविंसेस कह रहे होते हैं कि पंजाब हमारा ये रखा गया वो कर गया, अभी ये क्यों चल रहा है? अब ये पहले पिछले 60 साल में ये कुछ होता रहा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब पंजाब को गाली नहीं मिलेगी, उसकी वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीजें लिख दी गई हैं, बड़ा सिस्टमेटिकली पॉपुलेशन हो गई, रेवेन्यू कलेक्शन हो गई, पॉवर्टी इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, पॉवर्टी वगैरह हो गई। अब कोई नहीं ये कह सकता कि पंजाब हिस्सा खा गया, क्योंकि हर चीज को उसके मुताबिक कैटेगरिकली सिस्टमेटिकली अब ये गाली कम होती जा रही है, पहले बहुत ज्यादा थी, पहले खाते भी थे इसमें कोई शक नहीं है, अब ये कम हो रही है। सर आपसे क्वेश्चन एक किया था मैंने सर, पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंटियल सिस्टम को पार्लियामेंटरी क्यों किया गया था, ये ट्रिक आपने कहा खेलेगी ट्रिक सर किस बिल क्यों खेलेगी, इनको क्या जरूरत पेश आई थी सर? देखें जो फेडरल गवर्नमेंट होता है ना उसके अंदर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर कलर कास्ट क्रीड होते हैं, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस दे कुड नॉट बी फुलफिल्ड, उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता एक बात। दैट्स व्हाई पार्लियामेंटरी सिस्टम इज मोर कंड्यूसिव फॉर दी कंडीशंस ऑफ अ फेडरल स्टेट, इस वजह से पाकिस्तान में हमेशा से ये कंसेंसस रहा है कि पार्लियामेंटरी सिस्टम इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है द विशेस ऑफ द पीपल दे आर बीइंग फुलफिल्ड। लेकिन हुआ ये क्या कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको आधा काटा गया आधा रखा गया, एमरजेंसी की पावर तो खत्म कर दी लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज चीफ अपने पास रखा, आर्मी चीफ को अपॉइंट करने का, नेवी चीफ को, एयर चीफ को और ऑडिटर जनरल वगैरह इस तरह की जो चीजें वो अपने पास रखी उसने, तो ये भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं की, सरदारी साहब ने वो 18th अमेंडमेंट में लगाया। तो इस मैं आपको एक दो तीन चीजों के अंदर दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें 18th अमेंडमेंट की डिस्कस की, इसमें वाकई ही कुछ चीजें बुरी हैं और वाकई ही कुछ चीजें अच्छी हैं।
जो चीज अच्छी है उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए और जो चीज बुरी है उनको फौरन से पहले चेंज करना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें जैसा कि सीरियस सर्कल ऑफ पाकिस्तान दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान, दोस थिंग्स दे शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे मुल्क के अंदर ये बात याद रखिएगा, हमारे मुल्क में कभी भी कानून जो है वो जाती मुफाद के लिए नहीं बनना चाहिए, कौम के मुफाद के लिए बनना चाहिए, अवाम के मुफाद के लिए बनना चाहिए। इसी वजह से 18th अमेंडमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी जो सीरियस सर्कल ऑफ पाकिस्तान है दे बिलीव दैट दीज आर द बैड थिंग्स, इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर ऑफ द ओपिनियन डोंट टच इट, इसको हाथ भी नहीं लगाना, दे न्यू दैट देयर आर सम बैड थिंग्स, दे न्यू इट, वो जानते हैं, लेकिन दे हैव मेड दिस थिंग अ पॉलिटिकल इशू, कहते इसको हाथ भी नहीं लगाना, ऐसे हुआ तो हमारे लाशों के ऊपर से गुजर के ये सारी चीजों की वला फला फला, ये चीजें बहुत बोरिंग हैं। जब उनको पता है दे शुड शो देयर सैनिटी एंड विजडम, व्हाट इज गुड फॉर द स्टेट एंड पीपल, व्हाट इज गुड इवन फॉर देम, नॉट फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट बट फॉर व्हाट यू से फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द स्टेट इंटरेस्ट, वो चीजें होनी चाहिए। बच्चों अगली क्लास के अंदर 18th अमेंडमेंट एंड द लास्ट थ्री फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी, लास्ट थ्री फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी एंड 18th अमेंडमेंट पूरे का क्विज होना है, दिस इज द क्विज नंबर 2 आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम, और हमने इसको कंप्लीट करना है 18th अमेंडमेंट पूरी और द लास्ट थ्री फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी एंड 18th अमेंडमेंट। इसके लेक्चर्स दे आर अवेलेबल, आप वहां वो भी सुने, और जो रीडिंग है वो मूडल पे भी अवेलेबल है और ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर देता हूं। जी बेटा सर सर ये जो क्विज आपने पिछली बार हमको दिया था सर, ये क्विज थोड़ा रिक्वेस्ट हम आपसे करते कि थोड़ा सिंपल वर्डिंग में ये क्वेश्चन हमें दे दे, पहले हम क्वेश्चन सर उसके मीनिंग को ढूंढते हैं कि इस क्वेश्चन क्या, इसकी फुल मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या चीज मांग रही है, फिर हम जब ये समझते हैं तो 10-15 मिनट इसमें गुजर जाते हैं, फिर इसका आंसर लिखते हैं सर। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बस सिंपल वर्ड में लिखे। असलम बेटा ये जो रीडिंग्स हम यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं और इनकी लैंग्वेज टफ है। मैं चाह रहा हूँ कि मिड टर्म तक आप लोगों की एक कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली टफ चीजों की तरफ गए। अब मिड टर्म के बाद सारी चीजें बहुत टफ है और इसके लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर एक एक मिनट के लिए एक एक वर्ड का भी मीनिंग आपको ढूंढना पड़ता है, आप ढूंढें ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो, आपको अंडरस्टैंडिंग चीजों की आए और आप अपनी काबिलियत को देखें। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कोई चीज को आसान लैंग्वेज में करूं, लेकिन देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज विद रेफरेंस टू द फॉरेन पॉलिसी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, अलाइनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बायलैटरलिज्म को चेंज नहीं कर सकते। अब इन चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट गो थ्रू माई लेक्चर्स अगेन, रीड देम और रीडिंग्स को पढ़ें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है कम इन माय ऑफिस एंड डिस्कस विद मी। और बाकी ये सारी चीजें अब थ्री लास्ट फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जो हमने पढ़े हैं वो याद रखिएगा, एंड 18th अमेंडमेंट का क्विज होना है हमारा नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में। ओके बेटा फिर पिछली मरतबा सर वो उसका मसला भी था, LMS का मसला भी था, जब हम सेंड कर रहे थे वो नहीं हो रहे थे, फिर मैंने वो सब मोस्टली बच्चों ने वो किया था सर ईमेल, तो इसीलिए सर थोड़ा भी टाइम भी दे दे सर। ठीक है जी बेटा जल्दी से सर, ये जो क्विज चेकिंग होती है सर ये आप खुद चेक करते हैं या कोई और चेक करता है? मेरे मैं पूरी सर्वेलेंस मेरे ऊपर मेरे सामने चेक हो रहे होते हैं, कोई और नहीं चेक कर सकता। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और अगर कोई इशू है, तीन चार लोगों ने कहा था मिड टर्म में और क्विज के अंदर, मिड टर्म के अंदर उन्होंने इशू है, मैंने पूरे पेपर यहाँ पे मेरे सामने पड़े हुए हैं, मैंने चेक करवाए और मैंने देखे और मैंने बल्कि नंबर कम मिलते थे ज्यादा दिए गए हैं, इसलिए अगर फिर भी किसी का कोई जेन्युइन इशू प्लीज कम टू मी एंड डिस्कस विद मी। ओके ओके गाइस, आई थैंक यू मच सर। एक्सक्यूज मी सर, क्विज के मार्क जो आपने कहा था सर कि मंडे को हम अपलोड कर देंगे, क्या सर हो जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा सर, एक क्वेश्चन ये था कि सुबह सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था सर, तो इसमें सर क्या पॉलिटिकल एडवांटेज उन्होंने हासिल किया सर? बस ये सिंध फॉर सिंधी, पंजाब फॉर पंजाबीज और बलोचिस्तान फॉर बलोचिस, तो उन्होंने कहा कि पख्तूनिस्तान फॉर पख्तूंस, तो ये एक सर ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे ख्याल से सर, एथनिक कनोटेशन है, लेट देम हैव दिस सेलिब्रेशन, व्हाई नॉट इफ पंजाब फॉर पंजाबी, व्हाई नॉट पख्तूनख्वा पख्तूनिस्तान फॉर पख्तून। सर डोंट सर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को फिर ये मतलब इस तरह से हो जाता है कि बलूचिस्तान को अलग कर दो सिंधु देश को। लेकिन हां ठीक है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड हैव सम सेटिस्फैक्शन दैट द प्लेस इन व्हिच
they are living is belonging to them rather than North Frontier province. Okay. Yes.